अर्पिता टैटू स्टूडियो में थी, जहां नकुल ने उसके लिए अपनी फोटो वाला एक टैटू पसंद किया था। अर्पिता ने किसी बहाने से नकुल को अंदर आने से रोक दिया और टैटू आर्टिस्ट को भी अपनी प्रेग्नेंट होने का झूठ बोल दिया, ताकि वो खुद अर्पिता को टैटू बनाने से मना कर दे। लेकिन अर्पिता पर बाजी तब उल्टी पड़ने लगी जब टैटू बनाने वाला अर्पिता के पति यानी नकुल को समझाने के लिए बाहर जाने लगा। घबराहट में अर्पिता बोली, अरे बोला गए हो क्या, मरवाओगे हमें? टैटू आर्टिस्ट चौंक कर अर्पिता को देखने लगा। अर्पिता बोली, बैठिए यहाँ, हम आपको समझाते हैं सब। वो वहां आकर बैठा तो अर्पिता बोली, पहले ये बताइए आप हमारे हस्बैंड को कब से जानते हैं? टैटू आर्टिस्ट बोला, आज सुबह से, सर ने इंटरनेट पर मेरा नंबर देखकर कॉल किया था कि उनको टैटू बनवाना है। अर्पिता गहरी सांस भरते हुए बोली, तभी तो आपको कुछ नहीं पता ना हमारे बारे में। हमारे हस्बैंड को कैंसर है, लास्ट स्टेज, बस कुछ ही दिनों के लिए साथ हैं वो हमारे। बाहर बोल रहे थे ना कि जब वो नहीं होंगे तो हम टैटू देखकर उनको मिस नहीं करेंगे। ये दरअसल उनकी आखिरी इच्छा है कि हम उनके फेस का टैटू बनवाएं। अब अगर बोला कि टैटू नहीं बना सकते तो उनका तो दिल ही टूट जाएगा। एक मरते हुए आदमी के साथ ऐसा कैसे करेंगे आप? क्या ये आपके आदर्शों के खिलाफ नहीं है? बोलते बोलते अर्पिता रोने का नाटक करने लगी। टैटू आर्टिस्ट बोला, आई एम सो सॉरी मैम, सर के बारे में जानकर बहुत बुरा लगा मुझे, पर मैम आपकी और आपके बच्चे की जान भी तो इंपॉर्टेंट है, सर समझेंगे इस बात को। अर्पिता बोली, अरे वो तो समझ ही जाएंगे, पति जो है, पर एक पति वृद्धा पत्नी होने के नाते मेरे भी तो कुछ कर्तव्य है। टैटू आर्टिस्ट बोला, मैम देख लीजिए, आप डिसाइड कर लीजिए, बाद में जो होगा मैं उसकी गारंटी नहीं लूंगा। अर्पिता अपने आंसू पोंछते हुए बोली, लेकिन अपने होने वाले बच्चे की माँ भी तो हूँ, उस कर्तव्य से मैं कैसे पीछे हटूं? भैया अब मुझे झूठ का सहारा लेना ही पड़ेगा, ताकि अपने बच्चे और अपने पति दोनों के लिए कुछ कर सकूं। टैटू आर्टिस्ट बोला, कैसा झूठ मैम? भैया टेंपरेरी टैटू भी बनते हैं ना, कितने दिन तक रहते हैं वो? टैटू बनाने वाला बोला, 2 हफ्ते तक, और अगर उसकी केयर करें और पानी लगने से बचाएं तो 3 हफ्ते तक भी रह सकता है। अर्पिता बोली, परफेक्ट, वही बना दीजिए, पर ये बात मेरे हस्बैंड को बिल्कुल मत बताइएगा, वरना वो दुखी हो जाएंगे। पर मैं आपसे वादा करती हूँ कि बच्चा होने के बाद आपसे ही परमानेंट टैटू बनवाऊंगी, आप ये डिजाइन सेव कर लेना ओके? टैटू आर्टिस्ट बोला, ठीक है मैम, अभी मैं टेंपरेरी टैटू बना देता हूँ। आपकी जैसी वाइफ कहाँ मिलती है आजकल मैम, सर इज सो लकी। अर्पिता मुस्कुराई और मन में बोली, सर को तो थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा वो कितने लकी हैं, बस हमें हमारे काम की चीज मिल जाए एक बार। पर चलो परमानेंट टैटू से तो पीछा छूटा, थोड़े दिन अपने सीने पर इसके नकली टैटू का बोझ उठा ही लेंगे। अर्पिता टैटू बनवाकर बाहर निकली तो नकुल एक्साइटेड होकर बोला, बन गया, दिखाओ। अर्पिता ने अपना टैटू दिखाया तो नकुल मुस्कुराते हुए बोला, ब्यूटीफुल, अब मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे दिल और दिमाग दोनों में रहेगा। अर्पिता मुस्कुराई और नकुल ने टैटू बनाने वाले को कहा, थैंक यू बॉस, यू डिड अ ग्रेट जॉब। टैटू आर्टिस्ट बोला, थैंक यू सर एंड कांग्रेचुलेशंस टू यू टू। नकुल कंफ्यूज होकर बोला, कांग्रेचुलेशंस किस लिए? अर्पिता खुद से बोली, बाबा जी इसने प्रेग्नेंट वाली बात बोल दी तो हमारा तो बैंड बन जाएगा। टैटू आर्टिस्ट कुछ बोल ही रहा था तभी अचानक से अर्पिता चिल्लाई, नकुल चौंक कर बोला, क्या हुआ बेबी? अर्पिता से पकड़कर बोली, अचानक से बहुत तेज सिर दर्द होने लगा है, डॉक्टर के पास चले क्या? नकुल अर्पिता को लेकर बाहर निकलने लगा तो टैटू आर्टिस्ट बोला, सर आराम से और मैम का ध्यान रखिएगा। अर्पिता मन में बोली, अरे बस कर पगले, इतनी केयर, अब क्या हमसे राखी बंधवा कर हमारा भाई बनेगा? अर्पिता बोली, हाँ रखेंगे रखेंगे, थैंक यू भैया, बाय। नकुल चलो जल्दी। नकुल और अर्पिता कार में जाकर बैठे तो अर्पिता खुद से बोली, अब ये कहीं सच में हॉस्पिटल ना ले जाए। अर्पिता बोली, अब नकुल हमारे पास ना एक सिरदर्द की दवाई है, पहले वो लेकर देख लेते हैं, एक कॉफी भी पी लेते हैं, उससे भी सही नहीं हुआ तो फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, हमें डॉक्टर की दी हुई 10 दवाइयां नहीं खानी है। नकुल बोला, ठीक है पर सिर्फ 10 मिनट वेट करूंगा फिर डॉक्टर के पास जाएंगे। अर्पिता हमें गर्दन हिलाकर एक दवाई खाते हुए मन में बोली, आज का कैल्शियम और विटामिन तो हो गया और फाइनली ये टैटू कार्ड भी खत्म हो गया। तभी नकुल बोला, वो टैटू बनाने वाला मुझे कांग्रेचुलेशंस क्यों बोल रहा था? अर्पिता झट से बोली, शादी के लिए। नकुल चौंक कर बोला, शादी? अर्पिता बोली, हाँ मैंने उसे बोला था कि तुम मेरे फियांसे हो तो उसी के लिए कांग्रेचुलेट कर रहा होगा। नकुल खुश होकर बोला, फियांसे, क्या बात है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मेरे साथ रहने की मुझसे भी ज्यादा जल्दी है, जल्द ही शादी भी करेंगे हम। अर्पिता बुदबुदाई, इसे कहते हैं आसमान से गिरे और खजूर पर अटके, सत्यानाश। नकुल बोला, आज ऋत्विक से कितने बजे मिल रही हो? शाम को 5 बजे कैफे में बुलाया है उसने। ओके, मैं उसी कैफे में तुम्हारे पास ही रहूंगा, तुम अपना फोन ऑन करके छोड़ देना, मुझे सब सुनना है। ये भी कोई कहने की बात थी, हम तो कहते हैं तुम हमारे पीछे बैठ जाना, कोई भी बात मिस नहीं होनी चाहिए ना। नकुल इस बात पर अर्पिता को घूरने लगा तो वो घबराकर बोली, अच्छा नहीं लगा आइडिया, कोई बात नहीं, इग्नोर करो, हमें लगा पीछे बैठोगे तो आवाज साफ आएगी, पर तुम्हारा जहां मन होना वहीं बैठ जाना तुम, कौन सा हमारे पापा का कैफे है। शाम को अर्पिता कैफे में ऋत्विक से मिलने पहुंच गई, ऋत्विक अभी नहीं आया था। अर्पिता ने कैफे में इधर उधर देखा तो उसे एक कॉर्नर वाली टेबल पर मुंह पर मास्क और गॉगल्स लगाए एक आदमी बैठा हुआ दिखा। अर्पिता बुदबुदाई, ये नकुल है क्या? अर्पिता उसे काफी देर तक देखती रही तो नकुल ने अर्पिता को फोन किया, अब क्या मुझे घूर घूर कर पूरी दुनिया का ध्यान मुझ पर लाना है? सीधा बैठो और कॉल चलते रहने दो, ऋत्विक आने वाला होगा, और फालतू बैठने की जगह ये सोचो कि ऋत्विक से क्या और कैसे बोलना है। अर्पिता ने फोन नीचे रखा और मन में बोली, क्या संकी आदमी है ये, कभी तो मुंह से शह टपकाता है और अगले ही पल कड़वा करेला बन जाता है, और हमें फालतू बोल रहा है तो खुद क्या है, अपने करोड़ों का काम छोड़कर हमारे पीछे पड़ा हुआ है, दिन रात यही पागलपन करता रहता है तो फिर इसका बिजनेस कौन संभालता है? हमारी बात से कोई भी संभाले हमें क्या? क्या मनहूस दिन था वो जब हम इसकी कंपनी में इंटरव्यू देने गए थे? क्या बाबा जी, हम जो भी करते हैं ना उससे कोई ना कोई स्यापा हो ही जाता है। अर्पिता अपनी ख्यालों में खोई हुई थी, उसका ध्यान तब टूटा जब ऋत्विक ने उसे आवाज लगाई, अर्पिता अर्पिता। अर्पिता बोली, ओ आगे तुम बैठो बैठो। ऋत्विक बोला, हाँ पर तुम किन ख्यालों में खोई हुई थी जो मैं तुम्हारे सामने होते हुए भी तुम्हें दिख नहीं रहा था? अर्पिता बोली, वो छोड़ो तुम, तुम्हारे काम की बात नहीं है, हमने तुम्हें जिसकी बुलाया है वो सुन लो। ऋत्विक अर्पिता की तरफ ध्यान से देखने लगा। अर्पिता बोली, हमारे साथ क्या हो रहा है वो तुम अच्छे से जानते हो, और उससे हमेशा के लिए पीछा छुड़ाने के लिए हमने ये जॉब भी छोड़ दिया है, लेकिन सिर्फ इतनी सी बात नहीं बनेगी, इसलिए हमारी लाइफ पर जिस जिस बात का फर्क पड़ता है ना, हम हर उस बात और सीक्रेट से दूर होना चाहते हैं, और उनमें से एक हमारी शादी भी है, हमें ये शादी वाला मैटर भी खत्म करना है, इनफैक्ट हम आज से और अभी से इस शादी को तोड़ते हैं,
ऋत्विक परेशान होकर बोला, अर्पिता पर मॉम। अर्पिता बोली, देखो ऋत्विक, अब तुम्हारी मॉम का नाम लेकर हमको इमोशनल मत करना तुम। हमने ऑलरेडी बहुत कुछ कर दिया उनके लिए, लेकिन अब नहीं, अब बहुत हो गया है। जैसे तुम्हें अपनी फैमिली प्यारी है ना, वैसे हमें भी अपनी फैमिली की चिंता है। इस शादी के चक्कर में ना हमारी शांति छिन गई है। ऋत्विक बोला, अर्पिता रिलैक्स, मैं समझ सकता हूं तुम्हारी प्रॉब्लम, पर तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। तुम्हें जॉब से खतरा है ये माना मैंने, इसलिए मैं तुम्हें वापस लौटने के लिए फोर्स नहीं करूंगा। पर एक नाटक के लिए इतना परेशान क्यों हो रही हो? नाटक शब्द सुनते ही नकुल कंफ्यूज हो गया और अर्पिता घबरा गई। वो बात संभालने के लिए झट से बोली, हर चीज नाटक क्यों लगती है तुम्हें ऋत्विक? शादी जैसे रिश्ते का भी मजाक बना दिया तुमने। ठीक है, ये नाटक है ना, तो खत्म ही करना होगा इस नाटक को हमें। आज के बाद तुम हमें ना कभी मिलना और ना कॉल करना, वरना बता रहे हैं हम, परेशान करने के लिए पुलिस में कंप्लेन कर देंगे तुम्हारी। ऋत्विक अर्पिता की बात सुनकर उसे देखता रह गया। उसने अर्पिता से ऐसे बताव की उम्मीद तक नहीं की थी। वो कुछ बोल पाता उससे पहले अर्पिता उठकर वहां से चली गई। उसने बाहर आकर फोन कान पर लगाया तो नकुल बोला, तुमने तो कमाल कर दिया, अब वो ऋत्विक तुम्हारे पास आने की हिम्मत भी नहीं करेगा। अर्पिता बोली, और अब तुम क्या करने वाले हो? नकुल बोला, कल रेडियो मस्ती के ऑफिस जाऊंगा, वहां या तो ऋत्विक खुद बता देगा कि तुमने जॉब छोड़ दी है, नहीं तो मैं बातों बातों में उससे खुद ही निकलवा लूंगा और बस फिर उसे इन्वेस्टमेंट के लिए मना कर दूंगा। वैसे भी अभी एमओयू साइन नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी, और फिर ऋत्विक सड़क पर होगा। अच्छा सुनो, अपनी पहली जीत सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, कल सुबह आ जाना हमारे ऑफिस। वैसे भी अब तुम्हारी जॉब तो है नहीं, अब तुम अपना ऑफिस संभालो, कल मिलते हैं फिर, बाय बेबी। नकुल के फोन काटने के बाद अर्पिता लेडीज टॉयलेट में जाकर रोने लगी। वो खुद से बोली, बाबा जी हमने सोचा भी नहीं था कि कभी हम इतना मजबूर हो जाएंगे कि किसी का दिल तोड़ देंगे। आज ऋत्विक से बहुत गंदी तरह से बात किया हमने, बेचारे को कितना बुरा लगा होगा। अब कल जब नकुल भी इन्वेस्टमेंट के लिए मना कर देगा तो क्या बीतेगी उस पर? उसे हिम्मत देना बाबा जी, ये सब झेलने की। दिन भर अपनी परेशानियों और नकुल के टॉर्चर से जूझती अर्पिता अपने घर पहुंची। कमरे में जाकर उसने गौरव को कानों में हेडफोन्स लगाए और लैपटॉप की स्क्रीन पर देखते हुए देखा तो बोली, कौन सी मूवी देख रहे हो? गौरव हेडफोन्स हटाकर बोला, हां मूवी नहीं देख रहा हूं, लैपटॉप और बाकी चीजें चेक कर रहा हूं। प्लास्टर तो अभी 10 दिन बाद हटेगा और घर पर बहुत ज्यादा बोर हो गया हूं, इसलिए वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई किया है। परमिशन मिल गई है, कल से ऑफिस शुरू हो जाएगा। थैंक गॉड, अब मुझे काम करते देख मां और मम्मी अपनी शिकायतें लेकर मेरे पास नहीं आएंगी। अर्पिता बोली, वाह ये तो बहुत अच्छा हो गया, चलो हम खाना बना लेते हैं, कोई स्पेशल डिमांड है तुम्हारी? गौरव सीरियस होकर बोला, ब्लैक सॉस पास्ता के अलावा कुछ भी चलेगा। ये सुनकर अर्पिता हंसने लगी और उसके साथ साथ गौरव भी। दोनों को साथ हंसता खेलता देख नकुल जल भुनकर राख हो गया। उसने हाथों हाथ एक मैसेज टाइप किया और अर्पिता को भेज दिया। अर्पिता ने नकुल का मैसेज पढ़ा तो वो चौंक कर खुद से बोली, क्या 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 करवाएगा ये आदमी हमसे बाबा जी? ऐसा क्या करने के लिए बोला है नकुल ने अर्पिता को, जो उड़ गए हैं उसके होश। अर्पिता ने नकुल के कहने पर रेडियो मस्ती में जॉब छोड़ी, ऋत्विक से ब्रेकअप किया और नकुल के चेहरे का एक टैटू भी बनवाया। इस सब अत्याचारों को झेलने के बाद जब घर पहुंचने के बाद उसकी जिंदगी में एक खुशी का पल आया तो नकुल से वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ। गौरव और अर्पिता को साथ में हंसता देख नकुल चिढ़ गया था। उसने हाथों हाथ मैसेज करके अर्पिता को उसका दूसरा टास्क थमा दिया। मैसेज पढ़कर अर्पिता चौंक गई, उसने भी झट से नकुल को रिप्लाई किया, ये कैसे कर सकते हैं हम, अभी घर में हमारी माँ और सास दोनों हैं, उनसे क्या कहेंगे, हमको डंडे पड़वाओगे तुम? नकुल ने रिप्लाई किया, जैसे भी करना है करो, बट आई वॉन्ट दिस एट एनी कॉस्ट, वरना तुम जानती हो कि मुझे सिर्फ राजू को एक मैसेज करना है और वो मुझे कभी किसी काम के लिए मना नहीं करता। अर्पिता ने कुछ सोचा और मैसेज किया, ठीक है पर थोड़ा टाइम तो दो सोचने का। नकुल ने लिखा, तुम्हारे पास सिर्फ आज की रात है, गुड नाइट बेबी। अर्पिता सोचने लगी, अगर सच में इस इंसान की पत्नी होते हम तो ये तो हमें सोने के पिंजरे की चिड़िया बना देता, नहीं मदारी की झमरू बनाता और डमरू बजा बजा कर हमें नचाता रहता। अब कैसे करेंगे काम, मम्मी जी तो हमारे बोलते ही तांडव करने लगेगी और गौरव भी सोचेगा कि ये क्या हो गया हमें, और माँ क्या करेगी वो तो हम सोच भी नहीं सकते, बाबा जी कुछ तो करो। रात को जब सब सो गए तो अचानक गौरव की चिल्लाने की आवाज आई। उसकी आवाज सुनकर घर में सब लोग जा गए। निर्मला और सुमन उसके कमरे के बाहर जाकर जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगी। अर्पिता ने उठकर दरवाजा खोला तो नींद भरी आवाज में बोली, क्या हुआ मम्मी जी, आप लोग इतनी रात को ऐसे दरवाजा क्यों पीट रहे हो? सब उसे घूर कर देखने लगे तो वो घबरा कर बोली, माँ आप लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हो, कुछ हुआ है क्या? निर्मला बोली, अभी बबुआ इतना जोर से चिल्लाया कि सारी बिल्डिंग जाग गई और तुम्हें उसके बगल में सोकर भी उसकी आवाज तक नहीं आई, हटो तुम, क्या हुआ बबुआ क्यों चिल्लाए हो तुम? निर्मला अर्पिता को एक तरफ करके दौड़ी दौड़ी गौरव के पास गई और उसके पीछे पीछे सुमन भी। गौरव दर्द से कराहते हुए बोला, मम्मी पैर में बहुत दर्द हो रहा है। सुमन बोली, ऐसे अचानक कैसे होने लगा आपको दर्द, अभी सोने से पहले तो बिल्कुल ठीक थे। अर्पिता बोली, हम तुम्हारी दवाई में से पेन किलर निकालते हैं, वो ले लो आराम मिलेगा, नहीं तो डॉक्टर के पास चलते हैं। अर्पिता दवाई ढूंढने लगी तो निर्मला बोली, जाने कब ठीक होगा हमारे बबुआ का पैर, अरे भगवान अब तो रहम करो इस पर। गौरव बोला, अरे मम्मी भगवान की जगह अर्पिता को बोलो रहम करने को, उसी की वजह से हुआ है, उसी ने अपना पैर रख दिया था मेरे पैर पर। अर्पिता चौंक कर बोली, हमने हमने कब किया ऐसा, हम तो तुमसे दूर उस कोने में सोते हैं। निर्मला बोली, तो क्या बबुआ झूठ बोल रहा है, तुमने ही किया होगा अपनी नींद में, जब तुमको बबुआ की चिल्लाने की आवाज तक नहीं आई तो तुमने इसे अपने पैर से मारा या नहीं, ये कैसे ध्यान रहेगा तुमको? अर्पिता अपना सिर खुजाते हुए बोली, सच में कुछ याद नहीं आ रहा है हमें। निर्मला बोली, तुम एक काम करो तो अपनी माँ के साथ उस कमरे में सो जाओ, बबुआ के साथ हम सोएंगे यहाँ पर, 10 दिन की बात है, इसका पैर ठीक हो जाने दो, पता चला तुम्हारे चक्कर में 1 महीने का प्लास्टर और लग गया। सुमन बोली, अरे बहन जी ऐसा कोई रोज रोज थोड़ी ना होगा, 20 दिन में आज पहली बार हुआ है, अब ध्यान रखेगी अर्पिता है ना बिटिया? अर्पिता ने कोई जवाब नहीं दिया तो निर्मला बोली, लो देख लो कोई गारंटी नहीं है, और आपकी बिटिया क्या हर 20 दिन बाद नींद में मारती है का? ये बात हमको शादी से पहले बताते ना आप लोग। सुमन को गुस्सा आने लगा तो अर्पिता बोली, ठीक है मम्मी जी हम वहीं सो जाते हैं, आप सोइए यहाँ पर।
और गौरव, दवाई का असर आधे घंटे में हो जाना चाहिए, अगर ना हो तो हमें बुला लेना, डॉक्टर के पास ले चलेंगे तुम्हें। गौरव ने गर्दन हिलाकर हाँ कहा और लेटकर आंखें बंद कर ली। अर्पिता और सुमन अपने कमरे में जाने लगी तो निर्मला बोली, आपको सोने के लिए बुलाया है क्या यहाँ? सुमन ये सुनकर गुस्से में पलटी तो निर्मला बोली, आपसे नहीं उस राजू से बोल रहे हैं, बाहर से क्या टुकुर टुकुर देख रहे हो भाई, अपना गद्दा यहाँ बिछाओ और यहीं सो जाओ, और बबुआ को जब मदद लगेगी तो उठ जाना, तुमको इसीलिए रखे हैं ताकि हम सो सकें। अर्पिता राजू को डांट पड़ते देख खुश होकर मन में बोली, बहुत डॉन बन रहे थे ना तुम राजू, ऐसी खबर नहीं चाहिए तुम्हारी तो, मम्मी जी गौरव की बात आने पर चंडी बन जाती है, तुमको यही संभालेंगी। सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। कमरे में जाते ही सुमन अर्पिता से बोली, तुम तो नाक कटा दी हो हमारी, जब पूछे थे कि अब नहीं करोगी नींद में ऐसी हरकत तो जमीन काहे देख रही थी, गड़ा हुआ खजाना ढूंढ रही थी क्या कोई, कोनो जवाब काहे नहीं दी तुम। अर्पिता बोली, अरे माँ नींद का भरोसा थोड़ी ना है, अगर वहाँ मना करके फिर से मार देते तो मम्मी जी का गुस्सा नहीं दिखा था क्या आपने? सुमन बोली, देखे थे और गुस्से में तुमको डिफेक्टिव बता दियो, जैसे कि हर 20 दिन में दौरा आता हो तुमको। अर्पिता बोली, माँ आप भी ना हर बात की पूंछ पकड़ लेती हो, ऐसा कहा बोला उन्होंने, सोने से मतलब है कोई कहीं भी सोए, और गौरव का पैर ठीक होना जरूरी है चाहे कैसे भी हो, तो आप सो जाइए आप और हमें भी सोने दीजिए, फिर ऑफिस भी जाना है कल हमको। अर्पिता लेटकर खुद से बोली, ऑफिस नहीं मूसल में सिर डालने जाना है। सुबह उठकर अर्पिता सीधे गौरव के पास गई और बोली, सॉरी कल हमारी वजह से दर्द हो गया तुम्हें, अब कैसा है पैर? गौरव बोला, रात को तुमने दवाई दी थी ना उससे कुछ देर बाद ठीक हो गया था और नींद भी आ गई थी मुझे, डोंट वरी। अर्पिता बोली, मम्मी जी नाराज हो गई क्या हमसे? गौरव बोला, अरे वो तो मैं दर्द में था ना इसलिए गुस्से में बोल दिया उन्होंने वो सब, पर अभी ठीक है वो, रात को राजू को भी डांटा था ना, पर अब उसे चाय बनाकर पिलाई है और उससे पूछ रही थी कि क्या खाएगा वो। अर्पिता झूठ में मुस्कुराई और बोली, कितनी महान है ना वो, प्यार ही प्यार भरा है दिल में। अच्छा तुम आराम करो, हम ऑफिस के लिए तैयार होते हैं। अरे आज से तो तुम्हारा काम भी शुरू होगा ना, हमारी कोई हेल्प चाहिए? गौरव बोला, थैंक यू पर अभी कुछ नहीं चाहिए, तुम हो जाओ रेडी। अर्पिता जाते हुए बुदबुदाई, हमने तो सोचा था राजू की अब खैर नहीं, पर मम्मी जी फिर से उस पर प्यार लुटाने लगी हैं, लगता है उसका इलाज तो हमको ही करना पड़ेगा जिससे वो खुद ही यहाँ से भागने पर मजबूर हो जाए। अर्पिता नकुल के ऑफिस पहुंची तो नकुल खुश होकर बोला, वेलकम बेबी, चलो तुम्हें तुम्हारा कैबिन दिखाता हूँ, आओ। नकुल उसे एक रूम की ओर लेकर गया। अर्पिता हैरानी से बोली, ये तो तुम्हारा कैबिन है ना, तो मैं बेवकूफ हूँ जो तुम्हें अपने से दूर करूंगा, एक ही जगह पर होते हुए भी तुम्हें दूसरे रूम में थोड़ी ना बैठाऊंगा, तुम बैठोगी ठीक मेरे सामने जहाँ से मैं तुम्हें हर पल देख सकूंगा, तुम्हारे लिए इटली से चेयर मंगवाई है, जरा से भी थका नहीं होगी तुम्हें इस पर बैठकर, आओ बैठ कर देखो। अर्पिता चेयर पर बैठकर देखने लगी तो नकुल बोला, जरा सी ऊंची है ना, रुको अभी एडजस्ट कर देता हूँ, तुम्हें इसका सिस्टम नहीं समझ आएगा। नकुल चेयर को हाथ लगाने लगा तो अर्पिता बोली, एक मिनट हम कर लेंगे, इटली की चेयर है पर हम हमारे इंडियन दिमाग से कर लेते हैं सब कुछ। अर्पिता ने चेयर को इधर उधर से देखा और फिर कुछ ही सेकंड्स में चेयर की हाइट अपने हिसाब से कर दी। नकुल बोला, इंप्रेसिव बट आई एम नॉट सरप्राइज्ड, क्योंकि तुम्हारी इंटेलिजेंस के बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं मैंने, एक तो कल रात को ही देखा है, तुम्हें गौरव के साथ एक कमरे में सोने से मना किया तो क्या तरीका निकाला तुमने ये करने का। अर्पिता बोली, और जो हमने डांट खाई सबसे वो देखा तुम्हें, और बेचारे उस गौरव को भी तो कितना दर्द सहना पड़ा। नकुल अचानक से गुस्सा हो गया, बेचारा गौरव, अर्पिता तुम्हारा प्यार गुस्सा सिंपथी जलन यहाँ तक की नफरत भी सब सिर्फ मेरे लिए होना चाहिए और किसी के लिए नहीं, समझी तुम, मुझे इंसान से जानवर बनने पर मजबूर मत करो अर्पिता। अर्पिता घबरा कर बोली, अब नकुल तुम गलत समझ रहे हो हमें, हमें पहली बार किसी को जानबूझकर चोट पहुंचाई है इसलिए बुरा लग रहा है, बाकी और कोई रीजन नहीं है, तुम्हें बताया तो था कि गौरव और हमारे बीच कुछ है ही नहीं, तो किसी फीलिंग की जगह कैसे हो सकती है, तुम ये सब निकाल दो अपने दिमाग से, तुम्हारी कहने पर हमने ऋत्विक को भी तो छोड़ दिया ना, हमें सिर्फ तुम पसंद हो। नकुल ये सुनकर शांत हुआ और बोला, सॉरी तुम्हें कल घर वालों से डांट खानी पड़ गई, मुझे गुस्सा तो आया था पर फिर तुम्हारे साथ किया प्रॉमिस भी याद आ गया, जब तक तुम मेरे साथ हो तुम्हारे घर वाले सेफ हैं, इसलिए डोंट वरी, अगली बार मैं तुम पर गुस्सा करूं तो तुम टोक देना मुझे, ठीक है बेबी। अर्पिता ने हाँ में गर्दन हिलाई और मन में बोली, सॉरी गौरव, मजबूरी में किया हमने ये सब क्या है बाबा जी, सबको नकुल से बचाने के लिए उनको दर्द तो देना ही पड़ रहा है ना मुझे, आप ही कुछ रास्ता दिखाइए। नकुल बोला, अच्छा अर्पिता तुम यही रहो, मैं ऋत्विक से मिलने जा रहा हूँ, वहां सब खत्म करके आता हूँ, फिर उसके बाद कहीं चलेंगे हम लंच के लिए। अर्पिता हड़बड़ाकर बोली, कहाँ? नकुल बोला, कल बताया तो था अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करनी है ना, लेकिन जगह तुम्हारे लिए सरप्राइज है, 2 घंटे में वापस आता हूँ फिर चलते हैं, बाय टेक केयर, तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो टीना को बता देना। नकुल वहां से निकलकर रेडियो मस्ती के ऑफिस पहुंचा जहां ऋत्विक ने उसे बताया कि अर्पिता वहां से जॉब छोड़ चुकी है। नकुल ने शॉक होने का नाटक करते हुए ऋत्विक से कहा कि उसे दुख है कि इस हालत में वो ऋत्विक की कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा, और ये बोलकर वो वहां से निकल गया। राज बोला, भाई अब इन्वेस्टर कहां से लाएंगे, रणवीर जीजा जी को नकुल के पैसों से बचा सकते थे, अब उनको क्या जवाब देंगे हम। ऋत्विक को जैसे पहले से ही पता था कि ये होने वाला है, वो बोला, राज तुम्हें भी तो पता था ना कि होगा, कोयल मल्होत्रा शो की वजह से ही इन्वेस्टर्स मिल रहे थे हमें, अब वो नहीं है तो ये तो होना ही था, अब आगे क्या सोचना है मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं मैं आगे क्या करूंगा, एक बार फिर से सब बिखर गया है, सब कुछ खत्म हो रहा है, मुझे नहीं पता अब क्या होगा। राज ऋत्विक को गले लगाकर बोला, भाई अर्पिता से बात करूं? नहीं बिल्कुल नहीं, अब तू उसे कभी कुछ नहीं बोलेगा, पर भाई वही तो। ऋत्विक राज को बीच में रोककर बोला, मैंने बोला ना नहीं, तुझे मेरी कसम है राज, अर्पिता को फोन नहीं करेगा तू। ऋत्विक ये बोलकर बाहर निकलने लगा तो राज बोला, कहां जा रहे हो भाई? चिंता मत कर, लौट कर घर ही आऊंगा, और मॉम को कुछ मत बोलना प्लीज। और ऋत्विक ऑफिस से निकल गया। नकुल जो माइक की मदद से सब सुन रहा था खुश होते हुए बोला, ऋत्विक आउट, और अब गौरव की बारी है, फिर अर्पिता सिर्फ मेरी होगी। आखिर क्या करने वाला है नकुल गौरव के साथ, क्या है उसका प्लान? नकुल ऋत्विक को अर्पिता की लाइफ से बाहर निकालने में कामयाब हो गया था, और उसने ऋत्विक के ऑफिस जाकर ऋत्विक की कंपनी में इन्वेस्टमेंट ना करने की बात भी बोल दी थी। ऋत्विक एक बार फिर से सब कुछ खो देने के गम में डूब गया था। वहीं नकुल के ऑफिस में अकेले बैठी अर्पिता को अचानक से कुछ सूझा, पापा जी हमारा दिमाग इतना स्लो कैसे चल रहा है आज?
नकुल 2 घंटे के लिए बोलकर गया था, हम आसानी से उसके ऑफिस की तलाशी ले सकते थे। हो सकता है हमारी फोटोज और वीडियोस उसने यहीं कहीं छुपाई हो। वैसे अभी भी देनी हुई है, नकुल के आने से पहले देख लेते एक बार। अर्पिता उठकर नकुल के ऑफिस में हर अलमारी और ड्रॉर को छानने लगी, तभी अचानक से रूम का दरवाजा खुला। अर्पिता बुदबुदाई, बाबूजी ये इतनी जल्दी कैसे आ गया, आज तो गए हम काम से। अर्पिता शांत शांत, ऐसे दिखा कि कुछ हुआ ही नहीं है। अर्पिता मुस्कुराते हुए पीछे घूमी तो देखा कि वहां रिसेप्शनिस्ट टीना खड़ी थी। टीना मुस्कुराते हुए बोली, आपको कुछ चाहिए मैम? अर्पिता ने चैन की सांस ली और बोली, अरे नहीं नहीं, हम तो ऐसे ही बस कमरा देख रहे हैं, आज पहला दिन ना। थैंक यू सो मच, कुछ चाहिए होगा तो बता देंगे तुमको। टीना बाहर जाने लगी तो अर्पिता बोली, टीना अगली बार ना डोर नॉक करके आना प्लीज, इसे बेसिक मैनर्स कहते हैं। टीना बोली, सॉरी मैम, माइंड से निकल गया मैम, प्लीज सर से मत बोलिएगा, वो गुस्सा हो जाएंगे। अर्पिता ने गर्दन हिलाकर हाँ कहा तो टीना वहां से चली गई। अर्पिता बोली, हाय रे, कितना डरा कर रखा है इस राक्षस ने सबको, बेचारी के चेहरे का रंग ही उड़ गया था। अर्पिता टीना के जाते ही फिर से कमरे की तलाशी लेने लगी। क्या बोरिंग आदमी है, किताबों और फाइलों के अलावा कुछ है ही नहीं, कहीं कोई फैमिली फोटो नहीं है, कोई भगवान की फोटो नहीं है, कोई शोपीस नहीं है। लगता है सारे डेकोरेशन के पैसे जगह जगह कैमरा और माइक लगाने में खर्च कर दिए इसने। अचानक अर्पिता को एक ड्रॉर में फाइलों के बीच दबा हुआ एक पेन ड्राइव दिखा। अर्पिता ने झट से उसे निकाला और अपना लैपटॉप ऑन करके उसमें लगाया, पर उसमें बस कुछ प्रेजेंटेशंस और बिजनेस से जुड़े डॉक्यूमेंट्स दिखे। अर्पिता बोली, आज तो लग रहा है कि हम अपना दिमाग घर पर ही छोड़कर आए हैं, वो ये सब ऐसे खुले में छोड़कर थोड़ी ना जाएगा, और वो भी हमारे सामने, सब किसी तिजोरी में रखा होगा या फिर नकुल के लैपटॉप में, पर लैपटॉप तो वो अपने साथ लेकर गया है, हमें देखना होगा कि कोई सेफ बना हुआ है क्या यहाँ पर। अर्पिता अलमारियां देखने लगी तभी अचानक से फिर से दरवाजा खुला तो अर्पिता गुस्से में बोली, तुम्हें बोला था ना लॉक करके आना, अब नकुल को शिकायत कर। अर्पिता बोलते बोलते जैसे ही मुड़ी तो नकुल को वहां खड़ा देखकर चुप हो गई। नकुल बोला, आई एम सॉरी, बिना लॉक किए तुम्हारे ऑफिस में आ गया, बोलो क्या सजा है मेरी। अर्पिता चुप रही तो नकुल चिल्लाया, सुना नहीं क्या सजा है मेरी। अर्पिता नकुल को इतना तेज चिल्लाते सुनकर बोली, तुम बहुत मजाक किया हो नकुल, तुम्हारा ऑफिस है, तुम्हें पूछ कर आने की क्या जरूरत है, हम तुम्हें नहीं बोल रहे थे। नकुल बोला, मुझे नहीं बोल रही थी, फिर किसे बोल रही थी। अर्पिता बोली, छोड़ो नकुल, इतनी बड़ी बात नहीं है, तुम तो ये बताओ तुम जिस काम के लिए गए थे वो हुआ। नकुल बोला, पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो फिर मैं दूंगा, तुम किसे नॉक करने के लिए बोल रही थी। अर्पिता कुछ नहीं बोली तो नकुल बोला, कोई बात नहीं, मैं सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग देख लेता हूं। नकुल अपना कंप्यूटर ऑन करने लगा तो अर्पिता ने सोचा, इसने रिकॉर्डिंग देखी तो इसे पता चल जाएगा कि हम कुछ ढूंढ रहे थे, फिर तो हमारे सारे नाटक पर पानी फिर जाएगा। सॉरी टीना, तुमने रिक्वेस्ट की थी पर हमें नकुल को बताना पड़ेगा। अर्पिता बोली, टीना टीना को बोल रहे थे हम। नकुल कंप्यूटर छोड़कर अर्पिता के पास आया और बोला, टीना अब जरा ठीक से बताओगी उसने क्या किया था। नकुल, कोई बड़ी बात नहीं है ना, ये उसे ध्यान नहीं रहा कि हम अंदर हैं, इसलिए वो बिना बोली आ गई थी, फिर हमने उसे समझा दिया था और वो समझ भी गई थी, उसने हमें सॉरी भी बोल दिया था, फिर तुम आ गए, हमें लगा वही है, इसलिए बिना देखे चला दिए हम, गलती हमारी है उसकी नहीं है, प्लीज उसे कुछ मत बोलना, तुम्हें हमारी कसम है। नकुल बोला, ओफो इतनी सी बात के लिए कसम, प्रॉमिस उसे कुछ भी नहीं बोलूंगा। वैसे तुम अलमारी में क्या ढूंढ रही थी, कुछ चाहिए क्या? अर्पिता अपना डर छिपाते हुए बोली, हाँ ढूंढ रहे थे वो कुछ रंग, ढूंढ रहे थे हम। नकुल चौंक कर बोला, रंग, तुम्हारे अंदर का आर्टिस्ट जाग रहा है क्या? अर्पिता बोली, तुम्हारी इस बोरिंग कैबिन में बैठकर या तो किसी के अंदर का आर्टिस्ट जागेगा या फिर मर जाएगा, ब्लैक और व्हाइट के अलावा कोई कलर ही नहीं है, ऐसे लग रहा है सीधे 1950 में पहुंच गए जब टीवी पर सब ब्लैक एंड व्हाइट था, हम तो ना एकदम रंगीले इंसान है, हर जगह चमकते हुए निखरते हुए कलर्स चाहिए हमें तो, जैसे येलो ऑरेंज पिंक रेड, यहाँ तो काम में मन ही लगेगा हमारा। नकुल बोला, काम में मन नहीं दिमाग लगाते हैं, और दिमाग को काले लाल और पीले से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, डोंट वरी तुम्हें धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। अर्पिता ने मुंह बिगाड़ा और बोली, तुम कह रहे हो तो डालनी पड़ेगी, वैसे तुमने बताया नहीं ऋत्विक के साथ मीटिंग में क्या हुआ। नकुल बोला, ऋत्विक का चैप्टर क्लोज हो गया है, बस इतना ही जान लो। अच्छा मैंने बोला था ना कहीं चलना है, चलो अपना बैग ले लो चलते हैं फिर। अर्पिता जानती थी कि अब नकुल से ज्यादा सवाल जवाब करना उसे गुस्सा दिलाना होगा, इसलिए वो बिना कुछ बोले उसके पीछे पीछे चल दी। वहां गम के समंदर में डूबा ऋत्विक बार में जा पहुंचा, उसने अकेले बैठे बैठे खूब शराब पी और खुद से बातें करने लगा। बैक टू स्क्वायर वन मिस्टर ऋत्विक सिंघानिया, किसी काम का नहीं है तू, तुझसे ना कंपनी संभाली जा रही है और ना नकली बीवी, एक काम कर अपने हाथ पर लूजर का टैटू बनवा ले, LUS, फिर ये, अरे ये तो लस हो गया, नहीं गलत स्पेलिंग नहीं, लूजर कैंसिल, कुछ और सोच अभी, G0, हाँ इसकी स्पेलिंग भी सिंपल है, GRO0। ऋत्विक ने वेटर से पूछा, बॉस मैं जीरो की स्पेलिंग सही बोल रहा हूँ ना, GRO0। वेटर मुस्कुराते हुए बोला, नहीं सर ZERO होता है जीरो। ऋत्विक बोला, अच्छा बॉस मुझे एक पेपर पर लिख कर देना, मुझे टैटू वाले को दिखाना। वेटर हाँ बोलकर मुस्कुराता हुआ वहां से निकल गया। ऋत्विक बोला, अभी अर्पिता होती तो बोलती कि हर गम में पीने क्यों पहुंच जाता है, पता नहीं फिल्मों में तो यही दिखाते हैं। तभी ऋत्विक को सामने कोई दिखाई दिया, वो वहीं से बैठा बैठा चिल्लाया, ओ छाबड़ा साहब, ओ ढाबे वाले छाबड़ा साहब, सुनो तो इधर। लकी छाबड़ा, जिन्होंने एंड मोमेंट पर रेडियो मस्ती में इन्वेस्टमेंट के लिए मना कर दिया था, वो सामने बैठे थे, उन्होंने ऋत्विक को आवाज लगाते हुए सुना तो उसे इग्नोर कर दिया और अपनी पीठ ऋत्विक की तरफ घुमाकर बैठ गए। ऋत्विक बोला, घूम गए लगता है, सुना नहीं। ऋत्विक फिर से जोर से बोला, ओ अमृतसरी छोले कुलचे वाले लक्की जी, अरे अरे ओ आधा किलोमीटर जमीन वाले छाबड़ा जी। इस बार भी लक्की ने ऋत्विक की आवाज को अनसुना कर दिया। तभी एक वेटर ऋत्विक के पास आया और बोला, सर प्लीज धीरे बोलिए, बाकी लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है। ऋत्विक बोला, ऐसे कैसे डिस्टर्ब हो रहा है, छाबड़ा जी को तो सुनाई भी नहीं दे रहा और बाकी लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है, छाबड़ा जी बहरे हो गए क्या? वेटर बोला, सर मुझे नहीं पता, आप प्लीज धीरे बोलिएगा। ऋत्विक ने हाँ में गर्दन हिलाई लेकिन वेटर के जाते ही फिर से जोर से बोलने लगा, छाबड़ा जी अरे सुन लो यार, लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। इस बार सिक्योरिटी गार्ड ऋत्विक के पास आया और बोला, चलिए सर आपको बाहर छोड़ देता हूँ। गार्ड ने जैसे ही ऋत्विक को हाथ लगाया तो लकी छाबड़ा वहां आ गया और गार्ड से बोला, ओ पांजी बैठे रहने दो इन्होंने, ओ जी मेरे साथ हैं, अब नहीं चलाएंगे। गार्ड बोला, ठीक है सर, पर अगली बार फिर इन्होंने कुछ किया तो मुझे इन्हें जबरदस्ती बाहर निकालना पड़ेगा। लकी ने ठीक है बोला तो गार्ड वहां से चला गया।
ऋत्विक बोला, पाजी तुसी आ गए, साडे दिल विच छा गए। लकी बोला, दसो जी तुसी मैनू क्यों पुकार रहे हो, और मैं तुहानू पहले ही दस दूं मैं तुहाड़ी कंपनी विच इन्वेस्टमेंट नहीं करांगा। ऋत्विक बोला, ओ मत करो जी, कोई मत करो इन्वेस्टमेंट, पर मेरे दिल की बात तो सुन लो, मैं बहुत दुखी हूँ। लकी बोला, ओ जी की होया, दिल का मामला है? ऋत्विक बोला, ओ लकी जी मामला तो दिल ते दिमाग दोनों का है जी। लकी ने वेटर से खुद के लिए व्हिस्की लाने के लिए कहा और ऋत्विक से बोला, तुसी शुरू हो जाओ जी, दसो तुहाड़ी दुख भरी दास्तान। ऋत्विक को कुछ घंटों के लिए ही सही पर अपना दुख बांटने के लिए कोई मिल गया था। यहाँ वो लकी छाबड़ा से बातें करने में लगा था और वहाँ नकुल अर्पिता को एक जगह लेकर पहुंचा। अर्पिता बोली, ये तो कोई घर है, हम यहाँ क्यों आए हैं, किसका घर है ये? नकुल बोला, मेरा, यहाँ मैं खुद तुम्हारे लिए अपने हाथों से खाना बनाऊंगा बेबी, चलो। अर्पिता बोली, हमें तो सेलिब्रेट करने चलना था ना, किसी होटल में करने चलते हैं, घर में कौन सेलिब्रेट करता है? नकुल सीरियस फेस से बोला, मैं, मुझे अच्छा लगता है, कोई परेशानी है? नहीं नहीं, बहुत अच्छा आइडिया है, घर का प्योर सात्विक खाना खाएंगे, चलो। अर्पिता घर में घुसते हुए मन में बोली, बाबा जी अब हमारी इज्जत और जिंदगी दोनों आपके हाथ में है, कभी कुछ अच्छे कर्म किए हो तो बचा लेना प्लीज। दोनों अंदर घुसे तो नकुल ने वॉइस कमांड दिया और सारे घर की लाइट्स अपने आप चल उठी। नकुल का घर देखकर अर्पिता हैरान रह गई, घर की हर दीवार पर सिर्फ पेंटिंग्स ही पेंटिंग्स थी। नकुल बोला, तुम कह रही थी ना कि मैं बोरिंग हूँ? नहीं हूँ, जितने कलर्स तुम्हारे दिमाग में नहीं होंगे उतने इस घर में है, आई ऑल्सो लव कलर्स। अर्पिता मजाक में बोली, तुम्हारे तो घर पेंट करवाने का खर्चा बच गया होगा ना, दीवार तो कहीं से दिखी नहीं है। ये सुनकर नकुल बिल्कुल चुप हो गया। अर्पिता मन में बोली, बुड़बक चुप क्यों नहीं रह सकती, छेड़ दिया भैरू बाबा को। अचानक से नकुल हंसने लगा और बोला, nice joke, sense of humor अच्छा है तुम्हारा। अर्पिता खुद से बोली, गजब साइको है यार ये तो, हर चीज अनप्रेडिक्टेबल है इसकी, हर काम एक्सट्रीम, पता नहीं हमें से इस जन्म में समझ भी पाएंगे या नहीं। नकुल बोला, चलो तुम बैठो मैं जल्दी से खाना बना लेता हूँ। नकुल वहां से गया तो अर्पिता बुदबुदाई, अब घर आए हैं तो उसका फायदा भी उठा लेते हैं, जब तक ये खाना बना रहा है तलाशी ले लेते हैं यहाँ की। हाँ, अर्पिता घर की हर चीज को ध्यान से देखने लगी। उसने एक बात पर गौर किया कि घर की हर पेंटिंग पर एक ही नाम लिखा था, लावण्या। ये कौन है? अर्पिता पेंटिंग पर नाम लिखा है तो आर्टिस्ट ही होगी ना, लगता है ये पूरी की पूरी एग्जीबिशन ही खरीद लाया है, साइको कहीं का। अर्पिता ने अपने पर्स से डिब्बा निकाला और नकुल के बेडरूम में चली गई। उसने जैसे ही अलमारी को हाथ लगाया तभी घर का सिक्योरिटी अलार्म बज गया, डर के मारे डिब्बा अर्पिता के हाथ से छूट गया और किसी कांच के टूटने की आवाज आई। अर्पिता सिर पकड़कर वहीं जमीन पर बैठ गई, तलाशी लेना पड़ गया है अर्पिता पर भारी, क्या करेगा नकुल अब अर्पिता के साथ। नकुल अर्पिता को अपने घर लेकर गया था, जब वो उसके लिए खाना बनाने लगा तो अर्पिता ने मौके का फायदा उठाते हुए उसके बेडरूम की तलाशी लेनी शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही उसने अलमारी को छुआ तो घर का सिक्योरिटी अलार्म बज गया। घबराहट में अर्पिता के हाथों से वो पैकेट गिर गया जो वो अपने पर्स से निकाल कर लेकर गई थी। नकुल भागकर अपने बेडरूम में पहुंचा तो अर्पिता को वहां देखकर गुस्से से भर गया। अर्पिता जल्दी से अपनी जगह पर खड़ी हो गई। नकुल अर्पिता की तरफ बढ़ते हुए चिल्लाया, यहां क्या कर रही हो तुम, मेरे कमरे की तलाशी ले रही थी। नकुल को गुस्से में अपनी तरफ बढ़ते देख अर्पिता बहुत घबरा गई थी, वो खुद को बचाने के लिए जैसे ही पीछे होने लगी तो उसके पैर में टूटा हुआ कांच चुभा और वो दर्द से चीखी। उसने अपना पैर पकड़ा तो नकुल ने नीचे देखा जहां कुछ कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे और पानी फैला हुआ था। वो बोला, क्या है ये? अर्पिता बोली, हमेशा तुम ही हमारे लिए गिफ्ट लाते हो, इसलिए हमने सोचा कि हम भी तुम्हें कुछ दे दें, तो तुम्हारे लिए परफ्यूम लाए थे, सोचा तुम्हारे रूम में कहीं छिपा देंगे, फिर जब तुम कल अलमारी खोलोगे तो इसे देखकर सरप्राइज हो जाओगे, पर अचानक से ये अलार्म बज गया, हमें नहीं पता था कि तुम्हें हम पर इतना भी भरोसा नहीं है कि हम पर इल्जाम लगा दोगे, तुम हम क्यों तलाशी लेंगे तुम्हारे रूम की, और अगर तुम्हें यकीन ना होना हम पर तो तुम सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग देख लो। ये सुनते ही अचानक से नकुल का गुस्सा गायब हो गया, वो अर्पिता का हाथ पकड़कर उसे बेड पर बैठाते हुए बोला, तुम भी ना यहाँ बैठो मैं फर्स्ट एड बॉक्स लाता हूँ अभी। नकुल जैसे ही कमरे से बाहर निकला तो अर्पिता ने गहरी सांस भरी और खुद से बोली, बाल बाल बच गए बाबा जी, आज तो ये सर फिरा हमें यहीं मारकर अपने घर में इन पेंटिंग्स के पीछे किसी दीवार में चुनवा देता और किसी को पता भी नहीं चलता, अनारकली बनते बनते रह गए हम। नकुल एक बॉक्स के साथ आया और अर्पिता की चोट पर दवाई लगाने लगा। अर्पिता बोली, हमने तुम्हारा घर गंदा कर दिया, हम साफ भी कर देंगे। नकुल बोला, पैर देखो अपना, कांच चुभा है तुम्हें, कोई छोटी मोटी चोट नहीं है, इसे संभाल लो मैं साफ करता हूँ। अर्पिता बोली, तुम खुद साफ करोगी, कोई सर्वेंट नहीं है यहाँ पर, हम जब से आए हैं हमें कोई दिखा नहीं है यहाँ। नहीं मुझे प्राइवेसी पसंद है और अपना काम मैं खुद ही करता हूँ, क्योंकि मुझे हर काम में परफेक्शन चाहिए, इसलिए कोई सर्वेंट नहीं है घर में। अर्पिता चौंककर बोली, सब खुद करते हो, खाना बर्तन सफाई कपड़े सब? नकुल हंसते हुए बोला, अरे हर काम के लिए मशीन है मेरे पास, घर की सफाई भी रोबोट करता है, मुझे तो बस उसे कमांड देनी होती है, देख लो मुझसे शादी करके ऐश करोगी ऐश। अर्पिता ये सुनकर अनकंफर्टेबल हो गई लेकिन नकुल के सामने जबरदस्ती मुस्कुरा दी। फिर जैसे ही नकुल बोला, हाउसकीपिंग क्लीन द बेडरूम, वैसे ही एक वैक्यूम क्लीनर रोबोट कमरे में आया और जमीन साफ करने लगा। अर्पिता हैरान होकर बोली, वाओ ऐसा लग रहा है जैसे तुम 2050 में जी रहे हो। नकुल इस बात पर मुस्कुरा दिया और अर्पिता को सहारा देकर उठाते हुए बोला, चलो तुम्हें डाइनिंग टेबल तक लेकर चलता हूँ, मैं खाना बनाऊंगा और तुम वहीं मेरी आंखों के सामने बैठो वरना फिर से चोट लगा लोगी। अर्पिता नकुल के उसे छूने से खुश तो नहीं थी पर वो उसका गुस्सा नहीं बढ़ाना चाहती थी, इसलिए बिना कुछ बोले उसके साथ चल दी। नकुल खाना बना रहा था तब अर्पिता सोचने लगी, इस आदमी का प्यार तो जानलेवा है, पता नहीं इसके घर वाले कैसे झेलते होंगे इसे, कभी कुछ बोला ही नहीं इसने किसी के बारे में, पूछे कैसे, क्या पता इसके बारे में कुछ काम की बातें पता चल जाए। अर्पिता बोली, अब घर पर इतनी सिक्योरिटी कौन रखता है, इंग्लैंड की महारानी कोहिनूर तुम्हें संभालने के लिए लेकर गई है क्या? नकुल मुस्कुराते हुए बोला, काश ऐसा होता तो इंडिया का हीरा वापस इंडिया के पास आ जाता, सेफ रहने में क्या बुराई है, तुम्हें पता नहीं है क्या दुनिया में क्राइम कितना बढ़ गया है। अर्पिता बुदबुदाई, हमसे ज्यादा किसे पता होगा, आए दिन एक से बढ़कर एक क्रिमिनल से तो पाला पड़ रहा है हमारा। नकुल अर्पिता को हैरानी से देखने लगा तो वो बात संभालते हुए बोली, कोयल मल्होत्रा शो में सुना ही होगा तुमने, कैसे कैसे लोगों से बात होती है, अच्छा हुआ पीछा छूट गया तुम्हारी वजह से। नकुल बोला, इसीलिए तो इतनी सिक्योरिटी है घर में, हर दरवाजा अलमारी लॉकर यहाँ तक की स्विचेस सब मेरे फिंगरप्रिंट से ही खुलते हैं, कोई चांस नहीं है कोई अंदर घुस पाए, तुमने अलमारी को छुआ इसलिए अलार्म बज गया।
अर्पिता बोली अच्छा वेरी नाइस। वैसे नकुल तुम इतना सब अकेले कैसे मैनेज कर लेते हो? घर का सारा काम, अपना बिजनेस, जरूर तुम्हारा कोई पार्टनर भी होगा। नकुल बोला नहीं, मैं वन मैन आर्मी हूँ, सब कुछ खुद अपने आप देखता हूँ। अरे मैं तो बोलता ही हूँ तुम्हें कि मैं परफेक्ट हूँ, तुम्हें ही मेरी काबिलियत पर शक है। अरे नहीं नहीं, शकवत नहीं है, पर कोई तो होगा ना, कोई दोस्त, कोई घर वाला जो तुम्हें सपोर्ट करता हो, जब जरूरत पड़े तो गाइड करता हो, कोई ऐसा नहीं है क्या तुम्हारी लाइफ में? ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारी घर वाली कहीं बाहर रहते हैं क्या? नकुल सब्जी काटते हुए अचानक से रुक गया और फिर बोला इस दुनिया में अकेला हूँ मैं, कोई नहीं है मेरा। अर्पिता धीरे से बोली आई एम सॉरी। नकुल फिर से सब्जी काटने लगा तो कुछ देर बाद अर्पिता बोली अच्छा तुम उस दिन कह रहे थे ना कि तुम काफी साल अमेरिका में रहे हो, लेकिन क्यों, पढ़ाई की है क्या वहां से? अचानक से नकुल ने अपने हाथ से चाकू को साइड में रखा और अपना एप्रन उतारते हुए बोला खाना ऑफिस चलकर खाएंगे, चलो। अर्पिता हैरान होकर बोली ऑफिस में क्यों, अचानक से क्या हो गया? कोई काम याद आ गया है, चलो जल्दी चलो। नकुल अर्पिता को लेकर जल्दी जल्दी चलने लगा तो अर्पिता दर्द से कराहते हुए बोली नकुल थोड़ा धीरे, पैर में दर्द हो रहा है। कम ऑन, इतनी सी चोट है, पैर कटा नहीं है तुम्हारा, स्टॉप ओवररिएक्टिंग, थोड़ा सा ही चलना है, उसके बाद तो कार में ही बैठना है। अर्पिता मन में बोली 10 दिन इसके साथ रहे तो पागल खाने जाना पड़ेगा बाबा जी। रास्ते भर नकुल चुप ही रहा और अर्पिता ने भी कुछ ना बोलने में ही भलाई समझी। ऑफिस के बाहर पहुंचकर नकुल ने अर्पिता को कार से उतरने को कहा। अर्पिता बाहर निकली तो वो बोला चलो बाय, अब कल टाइम पर आ जाना। अर्पिता चौंक कर बोली कल, हम तो अभी खाना खाने वाले थे ना? नकुल बोला ओह सॉरी, एक मिनट रुको। नकुल ने अपना वॉलेट निकालकर उसमें से 2000 का एक नोट निकाला और उसे अर्पिता को देते हुए बोला ये लो, तुम कहीं खा लेना खाना, और पैसे कम पड़े तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें और दे दूंगा। ऐसा कहकर वो वहां से निकल गया। अर्पिता बस नकुल की जाती हुई कार को देखती रह गई। वो चिल्लाई साला हमको भिखारी समझा क्या, सड़क पर खड़ा करके नोट थमा गया हमारे हाथ में, गजब बेइज्जती है, तुम हमारा दिन आने दो, इसी 2000 के नोट से जूते खरीद के तुम्हारी धुलाई ना की तो हमारा नाम बदल देना तुम। अर्पिता पूरा दिन यहां वहां निकालकर जब शाम को अपने घर पहुंची तो उसे लंगड़ाते देख सुमन बोली अब तुम्हारे पैर में क्या हुआ, ऐसे लंगड़ा काहे रही हो? अर्पिता बोली एक पिक्चर में लंगड़ी लड़की का रोल मिला है, उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैसी लगी आपको हमारी एक्टिंग? माँ बोली अरे क्या हुआ, यही तो पूछा हमने, कभी सीधा जवाब भी दिया करो। अर्पिता बोली सीधा सवाल करेंगे तो सीधा जवाब मिलेगा ना, थोड़ी सी चोट लगी है, हो जाएगा सही। गौरव बोला दिखाओ तो मुझे कितना लगा है। अरे बताया तो सही, थोड़ी सी लगी है, दवाई लगा ली, पट्टी भी लगा ली है। गौरव बोला थोड़ी सी चोट में इतना लंगड़ा कर चल रही हो, चलो बैठो यहां सोफे पर, या इस टूटी हुई टांग वाले को खुद उठकर तुम्हें बैठाना पड़ेगा। अर्पिता सोफे पर बैठते हुए सोचने लगी पतिदेव ये प्यार कुछ दिन पहले जताया होता तो कुछ फायदा होता ना, आपको पता भी नहीं है आपका प्रेम देखकर एक राक्षसी आत्मा जाग उठती है, क्यों बैठे बिठाए अपने और हमारे ये मुसीबत खड़ी करना चाहते हो? गौरव आगे झुककर अर्पिता के पैर की तरफ जाने लगा तो अचानक बैठे बैठे अर्पिता ने पैर अपनी माँ की तरफ घुमा दिया। गौरव चौंक कर अर्पिता को देखने लगा। अर्पिता बोली यहाँ सब बैठे हैं, ऐसे में भगवान समान पति अपनी पत्नी के पैर को छुएगा तो अच्छा लगेगा क्या, बताइए माँ और मम्मी जी। सुमन बोली बात तो सही है तुम्हारी गौरव जी, हम ही देख लेते हैं। गौरव बोला ओफो अर्पिता तुम कब से ऐसा सोचने लगी, थोड़े दिन में मेरा मंदिर बनाकर मेरी पूजा तो नहीं करने लग जाओगी? निर्मला बोली अरे तुम निराले आदमी हो, अब पत्नी इज्जत दे रही है तो बर्दाश्त काहे नहीं हो रही तुमको, अच्छा हम समझे, आदत नहीं होगी ना तुम्हारी, अरे रोज तो केवल ताने ही सुनने को मिलते हैं ना। सुमन चिढ़कर बोली अच्छा कानपुर बैठकर बहुत दिख रहा है बहन जी आपको कि यहाँ का हो रहा है, हमको नहीं पता था बहन जी कि महाभारत के समय में वो दिव्य दृष्टि वाला संजय आप ही थी जो दूर चल रहे युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रही थी। अच्छा बताइए ना अभी बनारस में अर्पिता के पापा क्या कर रहे हैं, फोन नहीं लग रहा है उनका। अर्पिता बोली माँ आप हमारी पैर की चोट देखकर हमें और गौरव को फील करो ना, फिर आप दोनों को आपस में जितना सिर फोड़ना है ना आराम से फोड़ो। सुमन ने निर्मला की तरफ देखकर मुंह बिगाड़ा और अर्पिता की चोट देखकर बोली इसको कम कहते हैं, अर्पिता इतना बड़ा और गहरा कटा है तुम्हारा पैर, असली दर्द तो कल होगा देखना, हम हल्दी वाला दूध बना देते हैं अभी, उसे पीकर सो जाओ और कल छुट्टी ले लो जरा ऑफिस से, ज्यादा चलोगी तो घाव पक जाएगा बता रहे हैं हम। गौरव बोला हाँ माँ ठीक कह रही है, एक दिन घर पर ही रहो और आराम करो। अर्पिता झट से बोली हम नहीं रुक सकते हैं, माँ ऑफिस में जाकर वैसे भी एक जगह ही बैठना होता है, कैब से जाएंगे वहाँ बैठे रहेंगे और वापस भी कैब से आ जाएंगे, कल इंपॉर्टेंट मीटिंग है माँ जाना जरूरी है, हम अपना ध्यान रख लेंगे ना, आप लोग चिंता मत करिए। माँ बोली अरे तुम कौन से किसी गांव की मुखिया हो जो नहीं जाओगी तो पंचायत नहीं लगेगी, चुपचाप घर पर रुको वरना कल हम तुम्हारे साथ तुम्हारे ऑफिस चलेंगे और तुम्हारे बॉस को फटकार लगाएंगे कि उसके सीने में दिल है कि गुब्बारा, जो आदमी मरता हुआ भी मीटिंग करने पहुंचे। अर्पिता बोली हम कौन सा मर रहे हैं माँ, पहल करी तुम। माँ अर्पिता की बात बीच में काटकर बोली हमसे ज्यादा मगजमारी मत करो तुम अर्पिता, हम बता रहे हैं तुम्हें, चलो अंदर चलकर बिस्तर पर आराम करो। तो अर्पिता को चिंता होने लगी ये कहां फंस गए बाबा जी, ये लोग हमें जाने नहीं देंगे और हम नहीं गए तो नकुल हमारा जीना मुश्किल कर देगा, सुबह तक ठीक होकर हम किसी न किसी तरह से कोई बहाना बनाकर चले जाएंगे। अगली सुबह अलार्म बजने पर अर्पिता उठी, उसने महसूस किया कि उसके पैर में दर्द काफी बढ़ गया था, फिर भी हिम्मत करके वो बिस्तर से नीचे उतरी तो पैर के जमीन पर छूते ही दर्द होने से उसकी चीख निकल गई। सुमन दौड़कर अंदर आई तो उसने अर्पिता के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा क्या हुआ बिटिया तुम चीखी, अरे तुमको तो बुखार है अर्पिता। गौरव और निर्मला भी वहां आ चुके थे। गौरव बोला दर्द बढ़ गया है, बुखार भी है, कहीं चोट में इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, माँ इसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, राजू का है वो कार से ले जाएगा। सुमन बोली अरे उसको तो हमने पूजा का सामान लाने के लिए कहा था, वो आज पूर्णिमा है ना, उसके आते ही चलते हैं। कुछ देर बाद डोरबेल बजी, माँ दरवाजा खोलने गई और आकर बोली अर्पिता तुमसे मिलने कोई आया है। अर्पिता ने आंखें खोलकर देखा तो सामने नकुल खड़ा था। नकुल पहुंच गया है अर्पिता के घर, अब क्या ड्रामा होगा वहां पर, जाने के लिए सुनते रहिए कोयल मनोज की सीक्रेट लाइफ ओनली ऑन पॉकेट एफएम।